अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ फजूल फिल्म्स। तो काफ़ी अरसे बाद एक ब्लॉग आने लगा है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक साल होने लगा कि वीडियोस नहीं आई। भाई पावेल है, पाँच महीने, छः महीने होने लगे हैं। मुझे तो यही लग रहा है एक साल हो गए, लेकिन छः महीने हो चुके हैं। तो आज इसी बारे में इस पूरे ब्लॉग में बात होगी कि आखिर क्या वजूहत थी कि इतने अरसे तक ब्लॉग नहीं है। और ब्लॉग पूरा बातें वाला होने वाला है। ऐसे भी हम जा रहे हैं भाई और मैं बहरिया तक, जरा कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी भाई वर्कशॉप से। तो रास्ते में कुछ देख लेंगे, खावा खूबा। पैसे पकड़े थे आपने तो खावा खूबा कर लेंगे, वरना फिर कोरोना वायरस का समय है हर जगह। और घर से भी बाहर नहीं निकल रहे अभी, मैं तकरीबन 3 दिन बाद निकले बाहर। और आज मैं एक पोस्ट पढ़ा था कि आपको जिंदगी में पहली दफा मौका मिल रहा है कि घर बैठो और टीवी देखो, पहली दफा आपको जिंदगी में मौका मिल रहा है, ऐसी कुछ इंग्लिश में पोस्ट थी। तो शायद आप मुद्दे की बात कर लो। तो मुद्दे की बात यही है कि काफी ज्यादा काम थे भाई के। रिसेंटली पेपर है भाई, अच्छे वक्त में निकल गया, 10th के पेपर हो गए हैं और मैं बीच में फंस गया हूँ। मेरे सेकंड ईयर के पेपर होने थे जो कि अब डिले हो गए। क्या सुनने में तो यही आ रहा है कि जुलाई में होंगे, जून जुलाई में। तो उसके बाद कुछ पेपर की वजूहत थी, कुछ हमारे घर का काम चल रहा था, कुछ घर में काम चल रहा था, कुछ सेटअप को अपग्रेड किया जा रहा था। जैसा कि आपने पीछे देखा ही होगा, हमारे जब भी हम वीडियोस वगैरह बनाते थे पेंट नहीं हुआ था, क्योंकि हम घर में न्यूली शिफ्टेड हुए थे तो घर पेंट भी नहीं हुआ था। तो पेंट वगैरह करवाने थे, फर्नीचर वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट नया खरीदा सारा, और सेटअप में काफी 2 महीने तो इन्हीं चक्करों में लग गए थे घर को सेट करने में। तो वो था कुछ बीच में बिजी हो गए थे, घर को सेटवेट करने में लगे हुए थे चीजें की। उसके बाद इक्विपमेंट्स भी अपग्रेड किए काफी ज्यादा, जैसा कि आप देख सकते होंगे ये वीडियो जो बन रही है अभी नहीं मैं बताऊंगा, ये जो वीडियो बन रही है ये आप जज कर सकते हैं क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। इसकी वीडियो भी आगे आ जाएगी कि हमने क्या क्या अपग्रेडेशन किया है, कह सकते हैं मोबाइल अपग्रेड किया है, अपना मोबाइल अपग्रेड किया। जैसा कि आपको पता था मैं पहले वो छोटा निका सा iPhone SE चलाता था, लेना तो मैं स्विच करना आईफोन पे ही चाहता था, बस हिंट दे देता हूँ, लेकिन मैंने कर दिया एंड्रॉइड पे। क्योंकि फायदे काफी ज्यादा थे हमारा गेमिंग चैनल पे, सिर्फ फायदे की वजह से गया, वरना अभी भी दिल कहता है लेने के बाद भी एंड्रॉइड पे ना शिफ्ट करता, क्योंकि मुझे अभी भी आईफोन की आदत है। तकरीबन मुझे 1 महीने से ज्यादा 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट एंड्रॉइड चलाते हुए, लेकिन अभी भी आदत नहीं पड़ी अच्छी तरह। तो ऐसे ही है, गर्मी हो गई है काफी, ऐसे ही चलाया हुआ शीशे खोले हुए तो शोर आ रहा है ना वीडियो में। चलो इससे ये भी पता चल जाएगा कि इस फोन की नॉइस कैंसिलेशन का आइडिया हो जाएगा हमें। और दूसरा चीजें और भी जब मूवी का बताना चाहते और हैं। पीछे इस दौरान जब हम गायब थे तो आप ये नहीं कह सकते कि हम पूरे ही गायब थे, हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, हमने एक मूवी तैयार की है। भाई पूरे ही गायब थे, बस 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हुई है वीडियो बनाना। और जैसे कि तकरीबन 9 मार्च को मेरे खत्म हुए थे पेपर, तो 9 मार्च के बाद हमने स्टार्ट कर दी थी, उसी दिन आके स्टार्ट कर दी थी। जा रहा है शपाटर 125। 9 मार्च को पेपर खत्म होते साथ ही मूवी पे काम करना स्टार्ट हो गई थी। कंटिन्यूसली 3 दिन शूटिंग की थी और कंटिन्यूसली शूटिंग कह रहा हूँ ना, फिर कह सकते हैं मतलब हफ्ता ही लग गया था, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिले भी आया एडिटिंग वगैरह के लिए, और साथ साथ ही एडिटिंग कर ली थी और कुछ डे बंदा पहले। और अभी काफ़ी रश आ गया है अचानक से सामने, शाह काम भी आने वाला है। शाह काम मैंने जो नोट किया, मैं 2-3 दिन से बहरिया जा रहा हूँ तो शाह काम पे रश नहीं होता, अब पता नहीं शाम का वक्त है शायद, सुबह भी कोई नहीं था, ऐवी मैं मिनट में आराम से निकल गया था अब, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेरे ख्याल से शाम के 5-6 हो रहे हैं, बल्कि 6 हो रहे हैं, तो लोग वापसी आ रहे होते हैं, तो वापसी के टाइम शायद रश हो, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यही कुछ वजूहत थी, कुछ आपके भाई के साथ कुछ हादसा भी हुए जो आपको आने वाली वीडियोस पे बताऊंगा, जिसकी वजह से मेरा
बिल्कुल उन हादसात की वजह से बिल्कुल दिल उतर चुका था, ब्लॉगिंग से मतलब बिल्कुल ही ना यूट्यूब से नफरत सी हो गई थी। और लास्ट वीडियो भी जो हमने अपलोड की थी वो भी बड़ी मुश्किल से फाद भाई ने कह के डलवाई थी, मेरे से आईफोन 11 की पैरोडी थी, बस ऐसे ही सीन था कुछ। तो अब इंशाल्लाह ये जो गैप आया छुट्टियों का, और अब हमें पता है चैनल तो तकरीबन व्यूज डेड हो चुके होंगे, 100 व्यूज आ जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन इस दौरान भी 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बात तो यही है 5000 सब्सक्राइबर नहीं, 4000 होने वाले ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और मूवी जो है वो 5000 सब्सक्राइबर के बाद रिलीज होगी। और बस मूवी का आगे कहना चाहते हैं कि यार सपोर्ट दिखाना है कि मूवी मतलब के दो भी हजरात हैं, मतलब आप शेयर कर सकते हैं तो करना शेयर, जब टीजर वगैरह डालेंगे ट्रेलर वगैरह पे काम करेंगे। और जिस तरह बस 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, इतनी ज़्यादा भी बड़ी भी नहीं बनाई, ताकि और इंटरेस्टिंग बनाई है, हर बार मतलब बोरिंग नहीं होने देंगे वीडियो में, एक मिनट भी बोरिंग नहीं है अंदर। और बस आपने सपोर्ट दिखाना, ये कहने अगर कोई यूट्यूबर हजरात देख रहे हैं हमारी वीडियो तो वो भी सपोर्ट करें हमें, जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो भी पता नहीं भूल गए होंगे, पता नहीं क्या से के प्रोज लैब के शानुमान और भी बड़े हैं यूट्यूबर, किन किन का नाम है नाम भी नहीं याद आ रहे, मैं असल में काफ़ी देर से यूट्यूब भी नहीं देख, और काफ़ी मतलब 5 महीनों से हम यूट्यूब लाइव से मतलब कट ऑफ से मतलब हमने ध्यान दिया ही नहीं, और ना दोस्तों से बात की जो बने हुए थे, मतलब कि हम पूरा कट ऑफ थे, तो उससे नुकसान तो काफ़ी मुझे पता हुआ होगा हमें, और हमने लेकिन अब बस देखना कि चैनल वापस से जिंदा करने, क्योंकि हम मूवी अभी डाल नहीं सकते, अगर डालेंगे तो व्यूज आने नहीं वाले, और वो मतलब जो मेहनत की है उसकी वसूली नहीं मिल पाएगी, और बस यही है कि सपोर्ट दिखाना है। और आगे अभी जो है हम जा रहे हैं, मेरी प्रैक्टिकल्स की बुक्स लेनी है, प्रैक्टिकल डिले हुए हैं, हमारे प्रैक्टिकल होने थे, तो अभी फाद भी छापे लगाने के लिए जा रहे हैं, बनी बनाई बुक्स लेंगे और फिर उनसे देख रहे छापे लगाएंगे, क्योंकि देखा काफ़ी सख्ती हो गई है बनी बनाई बुक्स पे, आपके भाई के साथ हो चुका है, एक फिजिक्स का पेपर था और उसने बुक रिजेक्ट कर दी, लेकिन फिर भी आपका भाई पास हो गए, ना दी स्कूल वालों ने कोई कारकर्दगी दिखाई हो, कोई लगाया हो कुछ, अब कुछ क्या नहीं जा सकता, बस सही है दूसरी रो, तो बस अभी चलते हैं आगे, राशिया फिर बाद में बात करते हैं। अभी हम मोराला चौक पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मोराला चौक, और आते ही बैठे हैं, 16 सेकंड रह गए इशारा खुले में, लेकिन इन सपाटरों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, 5 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड और आवाम पहले ही चलना शुरू हो गया। अल्लाह हाफिज़ मोर जी। तो ऑलमोस्ट आ गया तलवार चौक के बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ आता है, बॉय बॉय जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये खड़ी है फॉक्सी, हमने खरीद ली है भाई भाई से 550 की मिली है, बड़ी मुश्किल से उनसे 600 कह रहे थे, कहते हमने तो रेट बढ़ा दिया था 750, लेकिन आपके भाई ने बार्गेनिंग करके उनसे 550 2 बुकों के लगाए हैं। तो
बुक्स लेने के बाद हम जा रहे हैं अपने अगले शिकार की जानिब। किधर यार? माई बर्गर। चल फास भाई को 2 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, लेकिन अभी तक जगहों की पहचान नहीं आई। यहाँ से यूटर ले गए माई बर्गर। शायद भाई आप भी खाएं। शायद भाई वेलियां मारते रहते हैं बैरिया में, चप्पा चप्पा आता है शायद भाई को। भाई इसको ये 1000 दफा आए हैं यहाँ पे, लेकिन हर बारी रास्ता पूछते हैं। क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं रास्ता नहीं देखता, मैं इंस्ट्रक्शन लेता हूँ बस। ये पहला ड्राइवर देखा है जो इसको जो रास्ता ही नहीं देखता। और सीट बेल्ट नहीं पहनी। और अच्छा किधर अब आप यहाँ से तलवार चौक से लेफ्ट हो जाए। तलवार चौक से लेफ्ट। तो अभी हम माई बर्गर जा रहे हैं, हाईली रिकमेंडेड। मतलब जिस तरह आप लोग देखते हैं ना मैकडोनल्ड्स के बर्गर, ऐसे ऐसे ये बड़ा बड़ा क्वाड्रा शुआड्रा चुआड्रा नाम के बर्गर, और जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि आंडे वाला बर्गर से भी छोटा होता है। तो ये भाई सीट बेल्ट जरा पहन ले। अच्छा किधर? तो वैसे ब्लॉक ये सड़क पे होता है ना वो सामने। ये बास्किन रॉबिन है कभी? तो ट्राई कर ली है, मैंने नहीं की। मैंने एक दफा भी बास्किन रॉबिन ट्राई नहीं की। हो गया नहीं था मामू के साथ? मैं गया था लेकिन देख कर आ गया, रेट सुनकर आ गया। आपका भाई 800 रुपए की आइसक्रीम होती है अगर फुल फ्लेज। आपका भाई तो आपके भाई ने यू टर्न मार लिया। आपके भाई ने कहा हम 10 रुपए वाली कौन सी खुश है। तो अब हम जा रहे हैं। तो बात हो रही थी कि आगे से यू टर्न यार मस्जिद से। तो बात हो रही थी कि इनके बर्गर होते हैं रियल, अब जिस तरह पिक्चर में होंगे उसी तरह ही आपके सामने निकल कर आएंगे ऐसे सही। और नाम भी बड़े मजेदार होते हैं इनके, जिन्होंने अपने बर्गर्स के रखे होते हैं। अभी वही खाने जा रहे हैं। मैक्सिमम इनका बर्गर मेरे ख्याल से 400 तक का होता है, और वर्थ होता है वर्थ। एक ही खाओगे तो पेट भर जाएगा आपका। तो ये अक्ष पाटर भाई जा रहे हैं। ये है बहरिया की ग्रैंड मस्जिद, काफी बड़ी है और खूबसूरत भी। इस साइड पर। तो गाड़ी से जैसे बाहर निकले तो एकदम भाई साहब आ गए। उन्होंने कहा बैठे रहे, मैंने गाड़ी में खाना। हमने कहा यस बॉस। तो उन्होंने ऑर्डर ले लिया। तो यार थे 10-15 मिनट में बस हो जाएगा। तो ऑर्डर दे चुके हैं। अब जरा गाड़ी में कुछ गाने शाने सुन लें, क्योंकि पूरे रास्ते में व्लॉग बनाना था और कॉपीराइट की वजह से हमने गाने नहीं लगाए। तब गाने सुनकर कुछ टाइम तक कुछ टाइम पास करते हैं और फिर समझ। शाम के निकले थे और अब रात हो चुकी है। ये अभी माई बर्गर से काफ़ी क्विक सर्विस है। बस अब घर की तरफ ही रवाना हो चुके हैं। तो यही था आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा और आपको हमारी बातों ने बोरिंग नहीं किया होगा। और दिया होगा अभी तक कोई देख नहीं रहा होगा। बस आपकी सपोर्ट चाहिए ऐसे ही नहीं, मतलब आप जो आएगी उस बस अच्छी चाहिए। तो बस ऐसे ही है। This is Shahid Fahad signing off. Allah Hafiz.